हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि राठौर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं, आपका यूट्यूब चैनल है, आप उस पर वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपकी जो भी वीडियो है उनकी आप पूरी जानकारी किस तरीके से देख सकते हैं और उन पर होने वाली एक्टिविटी का आप कैसे पता लगा सकते हैं, इसी बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने वीडियो की जानकारी आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मैं भी आपको हमारे मोबाइल स्क्रीन पर दिखाऊंगा और मैं आपको पहले समझा दूं कि आपको क्या क्या करना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने अपने यूट्यूब पर किसी भी प्रकार की वीडियो अपलोड की है, टेक्निकल हो या अदर कोई भी हो, या कोई भी सॉन्ग वगैरह आपने अपलोड किया हो, या किसी कवर सॉन्ग को भी आपने अपलोड किया, आपका खुद का कॉमेडी वीडियो कुछ भी अपलोड आपने किया हो, तो मान लीजिए आपके 20 से 25 आपके वीडियो हो चुके हैं और मान लीजिए आपको किसी एक वीडियो की आपको डिटेल्स निकालनी है, किस प्रकार से निकालनी है और उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी चाहिए शुरू से लेकर आखिरी तक। तो मैं अभी आपको मेरे मोबाइल स्क्रीन पर दिखाऊंगा और आपको बिल्कुल वैसा ही करना है जैसे कि आपको अपने वीडियो की पूरी जानकारी मिल जाए और उस पर होने वाली तरह तरह की एक्टिविटी आपको शो हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए हमने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से किसी एक वीडियो के डिटेल्स कैसे निकालते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आप किसी भी अपने जो यूट्यूब चैनल पर वीडियोज है उस पर किसी भी एक पर्टिकुलर वीडियो के आप डिटेल्स कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है YT स्टूडियो। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता हो तो आपको प्ले स्टोर पर इस तरीके की एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इसके बाद चलते हैं हम हमारे इंस्टॉलेड एप्लीकेशन पर। ये देखिए हमारे इंस्टॉल है एप्लीकेशन, यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने नई एप्लीकेशन इंस्टॉल की है तो वहाँ पर आपको साइन इन करना होगा, यानी कि अपनी जो यूट्यूब की आईडी है, मेल आईडी, उसके ज़रिए आपको साइन इन करना है। तो इसके बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा जिस पर ऊपर लिखा होगा डैशबोर्ड, ठीक है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे कि हमें किसी भी वीडियोज़ की डिटेल्स निकालना। यहाँ पर तो आपको आपके पूरे चैनल की डिटेल्स दिखाई दे रही होंगी, जो आपका पूरा चैनल का सब टोटल है एक प्रकार का मान लीजिए, वो आपको शो करेगा। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर वीडियो की निकालना है डिटेल्स, तो उसके लिए आपको डैशबोर्ड के साइड में जो तीन लाइन है उस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है उस पर लिखा होगा वीडियोस, उस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। ये देखिए हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोस है वो हमें यहाँ पर शो करेगा। अगर आप कैटेगरी देखना चाहें, अगर आपने अलग अलग टाइप से जैसे अनलिस्टेड करके रखा हो किसी वीडियो को, प्राइवेट करके रखा हो, या पब्लिक में जोड़ के रखा हो, या ड्राफ्ट पब्लिक या वीडियो जो हमारी पूरी जो अभी अपलोड है वो ड्राफ्ट में सेव हुई वीडियो जो हमारी पब्लिश नहीं होती है, ठीक है, इसे हम हटा देते हैं अभी और चलते हैं हमारी। ये देखिए जो हमारी सारी वीडियोस है ये हमें शो कर रहा है। अभी हम किसी एक वीडियोस की डिटेल्स निकालते हैं फटाफट से। सेकंड नंबर की वीडियो पर हमने क्लिक किया, ये ओपन हो रही है। देखिए यहाँ पर इसकी हमें जो टाइटल होता है थंबनेल हमें शो करता है और इस पर देखिए पहले नंबर पर आपको जो 484 है ये इसके व्यूज़ है, जो 13 है वो उसके कमेंट्स हैं, 28 लाइक है, 3 डिसलाइक है, ठीक है। और जो नीचे आपको एक पृथ्वी के साइड में जो हरे कलर का निशान दिखाई दे रहा होगा वो आपके वीडियोस पर मोनेटाइजेशन ऑन है उसका निशान है। अगर आपके वीडियोस पर मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है तो वहाँ पर आपको ब्लैक कट के रूप में आपको एक डॉलर का निशान दिखाई देगा, ठीक है। इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे एनालिटिक्स लिखा है, उसके नीचे आपको वॉच टाइम, मिनट्स, व्यूज़ और योर एस्टिमेटेड रेवेन्यू, ठीक है, इस तरीके की आपको जानकारी दिखाई देगी, जो इसका मतलब है आपकी वीडियोस पर व्यूज़ का जो टाइमिंग है वो क्या चल रहा है, कितने व्यूज़ हुए और आपके वीडियो पर कितनी अर्निंग हो रही है। इसके बाद हम व्यू मोर पर क्लिक करते हैं, यहाँ से हमको हमारे वीडियोज़ की सारी जानकारी हमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि हमारा पहला ऑप्शन है ओवर रिव्यू, इसके नीचे हमारे लिखा रियल टाइम व्यूज़ जो कि 14 है, जो कि लास्ट 48 घंटे में हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमारा वॉच टाइम 554 जो कि लास्ट 28 डेज का है, व्यूज है हमारे लास्ट 28 डेज के 478, और जो हमारी एस्टिमेटेड रिवेन्यू हुई है वो है $0.13, ठीक है। इसका हमारा ऑडियंस का रिएक्शन देखिए कि हमारे वीडियोस का कितनी कितनी देर तक देखती हैं पब्लिक, इसके नीचे आपको लाइक्स और डिसलाइक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें रिवेन्यू पर क्लिक कर देखते हैं, यहाँ पर हमारे वीडियोस पर जितनी भी जो अर्निंग हो रही है उसकी हमें डिटेल देखने को मिलती है, ठीक है।
और जैसे हम पहला ऑप्शन पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है योर एस्टिमेटेड रेवेन्यू, जो कि मैंने पहले बताया था $0.13, इसका ट्रांजेक्शन जो कि लास्ट अट्ठाईस इसके 0, ट्रांजेक्शन टाइप। यहाँ पर आपको सबसे नीचे एक बहुत ही बढ़िया आपको डिटेल्स देखने को मिलती है कि आपके वीडियोस पर किस किस टाइप के एड्स चालू हैं। सबसे पहला आपका एड्स होता है स्किपेबल एड्स, जो कि स्किप हो जाता है। दूसरा होता है बम्पर एड्स। तीसरा होता है नॉन स्किपेबल एड्स, जो कि स्किप नहीं होता, एड्स ख़त्म होने के बाद ही आपका वीडियो चालू होता है। चौथा डिस्प्ले एड्स, जो कि आपका जो भी जानकारी होती है उस तरीके के आपको एड्स दिखाई देता है, जो कि अभी मैंने सबसे ज़्यादा मेरे वीडियोस पर एड्स आते हैं स्किपेबल एड्स है। अगर आप इसे ऑन नहीं करते हैं आपके चैनल पर CTR बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कवरी में देखते हैं। यहाँ पर आपको जो भी आपके जो वीडियोस की जो ट्रैफिक है वो आपको शो करेगा, ये हमारे किसी भी काम का नहीं है फिलहाल तो। इसके बाद हम ऑडियंस का देख लेते हैं। ऑडियंस यहाँ पर आपको बहुत अच्छी डिटेल देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, जेंडर आपका मेल 100% जो कि आपको देखते हैं। उसके बाद किस तरीके की एज यानी किस उम्र के लोग आपके वीडियोस को ज़्यादा देखते हैं, जैसे कि मेरे वीडियो पर सबसे ज़्यादा 18 से 24 साल के लोग मेरी वीडियोस को ज़्यादा देखते हैं, जिसका परसेंटेज 64.6%, ठीक है। ये डिटेल्स आपके लिए बहुत ही अच्छी रहती है कि आपके वीडियोज़ को किन प्रकार के मतलब कितनी उम्र के एज के लोग आपको देख रहे हैं, उनसे रिलेटेड ही आपको वीडियो बनाने चाहिए, ठीक है। लास्ट में आपको मिलता है इंटरेक्टिव कंटेंट, ये अभी हमारे किसी काम का नहीं, जिसे इसका कुछ जानकारी हमारे हाथ लगेगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिर से हम ओवर रिव्यू पर आते हैं, तो ये आपको आपने सभी प्रकार की डिटेल चेक कर ली होगी। यहाँ पर आपको ओवर रिव्यू, रेवेन्यू और यहाँ पर आपका ऑडियंस, ये तीन डिटेल्स आपकी बहुत अच्छी होती है, यहाँ से आपको अपने वीडियो की डिटेल मिल जाती है। तो चलिए हमारी वीडियो पर वापस आते हैं। तो दोस्तों ये था मोबाइल का YT स्टूडियो, जिस पर आप अपने वीडियो की जानकारी बिल्कुल निकाल सकते हैं। जल्दी हमारे कंप्यूटर पर भी अपडेट होने वाला है, जैसे कि अभी YouTube स्टूडियो बीटा जो अभी नया होने वाला है, इस पर अभी काम चल रहा है, तो वहाँ पर भी इस प्रकार के अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। सभी प्रकार के चेंजेस होने वाले हैं जल्द ही यूट्यूब पर, तो जैसा भी अपडेट होगा अगला तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।